हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे जो लोग भी नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, जिनका बातचीत नहीं होता है या फिर बातचीत होता भी है तो क्लियरली बातचीत नहीं होता है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है। आपके पर्सन अपनी मर्जी से आपके लाइफ में आते हैं, बातचीत करते हैं, फिर से वो इग्नोर करने लगते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, इग्नोर करते हैं, रिजेक्ट करते हैं कॉल को, कॉल उठाते नहीं है, मैसेजेस का रिप्लाई नहीं देते हैं। अगर आपका सिचुएशन ऐसा है या फिर टोटली ब्रेकअप हो चुके हैं, टोटली नो कांटेक्ट है, काफ़ी टाइम से सेपरेशन में है, आपको नहीं पता है कि उनके लाइफ में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। और यहाँ से आप अपने पर्सन की एनर्जी को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं कि उनके लाइफ में क्या हो रहा है आज के दिन में और आने वाले टाइम में क्या होगा। साथ ही साथ इस पर्सन के साथ अगर आप अपनी लाइफ को जोड़ना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं इस रिश्ते को, तो क्या बन पाएगा रिश्ता, यस और नो? बन पाएगा तो कब तक बनेगा, स्टेबिलिटी है, कमिटमेंट मिलेगा? तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर हम रीडिंग में देखेंगे, ठीक है। 100% एक्यूरेट प्रेडिक्शन के लिए आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा पर्सनल रीडिंग के नंबर है 9073483437। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो इस नंबर पे आप ओनली व्हाट्सअप करें, कॉल मैसेजेस ना करें। और पर्सनल रीडिंग बिल्कुल फ्री नहीं है, पेमेंट करके बुक करना होता है। तो जिनको भी नंबर चाहिए आप फिर से सुन सकते हैं, और मैं आज वीडियो में नंबर प्रोवाइड नहीं कर रही हूँ, शो नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं फ्रंट कैमरा से वीडियो कर रही हूँ, तो वहाँ पर मिरर दिखेगा, नंबर उल्टा दिखेगा। तो चलिए देख लेते हैं, प्लीज इनसे गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लव्ड वन की लाइफ में क्या हो रहा है, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लव्ड वन, मेरे व्यूअर्स के लव्ड वन आज के दिन में क्या कर रहे हैं। जब भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, जिस भी टाइम पे देख रहे हैं, आपके पर्सन साइलेंस में हैं, साइलेंस जोन में हैं। बाप रे, बहुत ही अपसेट नजर आ रहे हैं आपके पर्सन। तीन कार्ड, ओके, इसको हम लेंगे क्योंकि सिचुएशन के साथ बहुत ही मैच कर रहा है ये कार्ड। तो मुझे लग रहा है कि ये कार्ड आपको कुछ मैसेजेस देना चाहते हैं। ओके, साइन यहाँ पर है पाइसिस, और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, वर्गो बहुत स्ट्रांग है, पाइसिस बहुत ही स्ट्रांग मुझे दिखाई दे रहा है, स्कॉर्पियो स्ट्रांग है यहाँ पर, एरिस लियो सजिटेरियस, ओके, यस। तो ये सारे साइन यहाँ पर जो है प्रोमिनेंट है, कैप्रिकॉन बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पर, वर्गो बहुत प्रोमिनेंट है, पाइसिस बहुत प्रोमिनेंट है, एंड स्कॉर्पियो बहुत प्रोमिनेंट है, ठीक है, ओके। तो आपके पर्सन की करंट एनर्जी कैसा है? आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अपसेट है, नेगेटिव एनर्जी में है, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, परेशान है, रो रहे हैं, इस टाइप की एनर्जी है, बहुत ही डार्कनेस में है, ठीक है, बहुत ही एंजाइटी है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है। अगर नेगेटिव से नेगेटिव इमोशन की अगर बात किया जाए, ठीक है, यहाँ पर गुस्से वाली एनर्जी नहीं है। कई बार होता है ना कि नेगेटिव एनर्जी है लेकिन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी है, गुस्सा है, लड़ाई झगड़ा है, यहाँ पर वैसी एनर्जी नहीं है। आपके पर्सन खुद की इमोशन के साथ फाइट कर रहे हैं, यानी वो अपसेट है, ठीक है, डिप्रेशन में है, वो खुद ही खुद के साथ बात कर रहे हैं, खुद की परेशानी का हाल निकाल रहे हैं, और पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, क्लिंगिंग टू द पास्ट, पास्ट में क्या गलतियाँ हो चुके हैं, क्या अच्छा टाइम था, तो इन सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। और यहाँ पर ये सारे जो चीज़ें हैं उनका पास्ट लाइफ कर्मा की वजह से हो रहा है, ठीक है, पास्ट लाइफ कुछ ब्लॉकेजेस है, बैड कर्मास है, जिसकी वजह से ये सारे सिचुएशन उनके लाइफ में आए हैं। आपके पर्सन पास्ट लाइफ के किसी कार्मिक बंधन में अटके हुए हैं, ट्रैप्ड है, और जहाँ से बाहर आने के लिए आपके पर्सन कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश कर रहे, दी क्रिएटर की एनर्जी है, कुछ न्यू करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर न्यू विजन के साथ दी क्रिएटर की एनर्जी है। तो उनका जो पुराना सेल्फ है उसको वो खत्म कर रहे, पुराना सेल्फ को वो डाई कर रहे हैं, और वहाँ से एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू सुबह लेके आना चाह रहे हैं,
कुछ पॉजिटिव क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करे, बियॉन्ड इल्यूजन सोचने की कोशिश करे कि इस इल्यूजन के पीछे, इस ड्रामा के पीछे, उनके सामने जो भी चीज़ें हो रहा है उसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों हो रहा है, क्यों होना ज़रूरी है, उन्होंने क्या ऐसा कर दिया कि ऐसा हो रहा है उनके लाइफ में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपके पर्सन सोच रहे हैं, और यहाँ पर धीरे धीरे वो मास्टर बन रहे हैं, यानी उनको नॉलेज मिल रहा है। ठीक है, जब वो गहराई में जाने की कोशिश कर रहे, किसी की भी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे, सोच विचार कर रहे, आइसोलेशन में है, कोई क्वेश्चन का आंसर वो ढूंढ रहे कि क्यों हो रहा है, क्यों क्यों होना ज़रूरी था, तो वहाँ पर उनको काफ़ी सारे नॉलेज मिल रहा है, काफ़ी सारी चीज़ों का रियलाइजेशन हो रहा है, और उसके बाद आपके पर्सन जो है चीज़ों को लेट गो करना सीख रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि आपके पर्सन नाइट की एनर्जी में या फिर दिन भर की एनर्जी में बहुत ही इमोशनल रहे, अपसेट रहे, उसके बाद जब वो सोच विचार करेंगे एंड ऑफ द डे वो चीज़ों को लेट गो करेंगे। ठीक है, छोड़ना सीखेंगे और रियलिटी को एक्सेप्ट करना सीखेंगे कि ठीक है चलो एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्या होता है देखते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं कि जो हो रहा है होने दो। ठीक है, इस टाइप की एनर्जी है। उसके बाद आया है मैच्योरिटी, जैसे कि मैंने बोला कि उनको बहुत ही नॉलेज, विजडम रिसीव हो रहा है, उनका दिमाग और ज़्यादा मैच्योर हो रहा है कि ये सारी चीज़ें क्यों हुआ, किस लिए हुआ, हुआ तो इसका रिजल्ट क्या होगा, तो मैच्योरली चीज़ों को वो डील कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं। और यहाँ पर आया है चेंज, डेस्टिनी का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो जो भी उनका बुरा वक्त है, जितना आपके पर्सन को नॉलेज मिलेगा, जितना वो क्लैरिटी लेके आएंगे उनके माइंड में, और उनकी जो बुरा वक्त है, जो भी लोग उनको टिगर कर रहे हैं, जो भी सिचुएशन उनको टिगर कर रहे हैं हर वक्त, वहाँ से वो कुछ ना कुछ सीख रहे हैं और खुद की लाइफ में चेंजेस लेके आ रहे हैं, तब उनका डेस्टिनी में भी पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। तो जब तक आप खुद के लाइफ में कुछ करोगे नहीं चेंज करने के लिए, तो चेंज नहीं दिखेगा। मान लीजिए आप किसी जगह पे रुके हुए हैं, तो स्टैंड कर रहे उस जगह पे, अगर आप वहाँ से आगे मूव नहीं करेंगे तो आपको चेंजेस नहीं दिखेगा, आप वहाँ पर ही रहेंगे। तो सेम, तो आपके पर्सन इस सिचुएशन से कुछ सीख रहे हैं, जान रहे हैं, और उसको लेट गो कर रहे हैं, पॉजिटिव माइंडसेट से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तब जाके उनके लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। ओवरऑल एनर्जी बहुत ही अपसेट है, रोने वाली एनर्जी है, परेशान रहने वाली एनर्जी है, जैसे कि उनको कोई धोखा दे दिया है, उनके पीठ पीछे कोई वार किए हैं, थ्री खंजर, थ्री सोर्स उनके पीछे जो है कोई घुसा दिया, इस टाइप की एनर्जी है, और स्पेशली थर्ड पार्टी सिचुएशन से धोखा मिलते हुए यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं। तो हम क्लैरिफाई नहीं करेंगे क्योंकि मैं बहुत सारे कार्ड्स ले भी चुकी हूँ और इसको हम एक्सप्लेन कर भी चुकी हूँ, तो मैं यहाँ पर क्लैरिफाई नहीं करूँगी कार्ड्स को। अभी हम देखेंगे कि नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके रिश्ते में, आगे क्या डिसीजन लेंगे आपके पर्सन। ओके, नेक्स्ट एक्शन के लिए मुझे कौन सी डे यूज करना चाहिए। प्लीज इनसे गाइड करें, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इस रिश्ते में, मेरे व्यूअर्स की तरफ आगे क्या होगा इस रिश्ते में, नेक्स्ट फ्यू आवर्स कैसा रहने वाले हैं मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ के लिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी कैसा रहेगा, क्या एक्शन ले सकते हैं उनके पार्टनर उनके तरफ। कार्मिक साइकिल आया है, कुछ चीज़ों को या तो आपके पर्सन रिपीट कर रहे हैं बार बार, कुछ गलती को रिपीट कर रहे हैं, या तो फिर आप बार बार रिपीट कर रहे हो, जिसकी वजह से उनके लाइफ में भी या फिर रिलेशनशिप में चेंजेस नहीं आ रहे हैं, सेपरेशन है, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ठीक है, तो नेक्स्ट फ्यू आवर्स के अंदर यहाँ पर आपके पर्सन के साथ उनका जो भी कर्मा है वहाँ पर लड़ाई झगड़ा होगा। ठीक है, ये एनर्जी है, कुछ लोगों का सेपरेशन खत्म होगा, आपके पर्सन वापस आएंगे और ये रिश्ता आगे जाके स्ट्रगल करेगा। कुछ लोगों के पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस में रह सकते हैं, तो वो इंतजार कर रहे हैं कि वो आपके लाइफ में वापस आए, आपको कमिट करें। कुछ लोगों के पर्सन दो राहे पे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर है, लेकिन आप समझ लीजिए जो भी थर्ड पार्टी यहाँ पर क्यों ना हो, लड़ाई झगड़े हो रहे थर्ड पार्टी के साथ। ठीक है, थर्ड पार्टी के साथ लड़ाई झगड़े हो रहे, अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी में है, और यहाँ पर देखिए नंबर 11 एंड 22, तो 11 22 का नंबर है यहाँ पर, और सेपरेशन का कार्ड है, तो थर्ड पार्टी के साथ रहते हुए भी आपके पर्सन सेपरेशन में है, ब्रीच की एनर्जी है जो कि सेपरेशन को दिखा रहे हैं। तो
यहाँ पर आपके पर्सन थर्ड पार्टी में रहते हुए भी खुश नहीं है, वो आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये बंदा जो है रोज लेके बैठे और सही टाइम का इंतजार कर रहे कि कब तक वो आपको कमिट करे या फिर कब तक वो आपके लाइफ में वापस आए। वो खुद आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज करना चाह रहे हैं, खुद आपसे बात करना चाह रहे हैं, कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। मैसेजेस की एनर्जी है, बहुत जल्द आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ रिसीव होगा, स्पेशली लव लाइफ को लेके। जिनका बातचीत हो रहा है यहाँ पर कमिटमेंट मिलने की चांसेस है, ठीक है, आपका विश फुलफिल होने की चांसेस है, स्टार कार्ड है। तो जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है लव लाइफ के लिए, वो मैनिफेस्टेशन आपका वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। यस, यहाँ पर कपल भी आ चुके हैं, तो आप दोनों ही एक दूसरे के लिए वेट कर रहे हैं, एक दूसरे की मैसेजेस के लिए वेट कर रहे हैं। तो आपकी जो वेटिंग सिचुएशन है वो आपकी मैनिफेस्टेशन की वजह से खत्म होने वाले हैं। वेटिंग सिचुएशन खत्म होगा, सेपरेशन खत्म होगा, लड़ाई झगड़े अगर हो रहे थे वो खत्म होगा। अगर आप दोनों के बीच भी कोई बैड कर्मा सा आ गए थे जिसकी वजह से आप दोनों का रियूनियन नहीं हो पा रहा था, तो भी वो साइकिल एंड होने वाले हैं, ओके। और आने वाले टाइम में ये रिश्ता स्टेबल करेगा, आपके पर्सन आपको कमिट करेंगे, एंगेजमेंट फिक्स्ड हो सकता है कुछ लोगों का, ओके, या फिर किसी का ग्रीटिंग्स आ सकता है, इनविटेशन आ सकता है आपकी तरफ, आपके बेस्ट फ्रेंड की, आपके फ्रेंड की, या फिर आपके पर्सन की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर एंगेजमेंट सेरेमनी का जो है कार्ड्स है, तो हो सकता है किसी के शादी सेलिब्रेशन एंगेजमेंट का भी आपको इनविटेशन आ सकते हैं नेक्स्ट 5 डेज के अंदर, ठीक है, नेक्स्ट 5 डेज टू 1 वीक के अंदर। और 42 आवर सॉरी नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर। तो चलिए देख लेते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए इस टाइम पे, इस वक्त आपको कौन सी गाइडेंस को फॉलो करने की जरूरत है। तो आज हम स्टार लाइट से गाइडेंस ले रहे हैं। प्लीज एंसर गाइड करें मेरे व्यूअर्स को, कौन सी गाइडेंस फॉलो करने की जरूरत है, मेरे व्यूअर्स को कौन सी गाइडेंस फॉलो करने की जरूरत है, मेरे व्यूअर्स को कौन सी गाइडेंस फॉलो करने की जरूरत है। ब्रेक थ्रू, ज्यादातर लोग ब्रेक थ्रू से गुजर रहे हो, लेकिन आपको डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट रखना है। फॉर ए स्टार टू बी द बॉर्न इट्स मस्ट फास्ट कॉलैप्स, दिस इज नॉट योर डिस्ट्रक्शन, दिस इज योर बर्थ। तो जब भी कोई स्टार बनते हैं वो डिस्ट्रक्शन से बनते हैं, मतलब दोनों प्लैनेट आपस में टकराते हैं और वहाँ पर एक्सीडेंट होता है, उसके बाद ही उनका जो प्लैनेट का जो छिलका होते हैं वो बाहर आते हैं, वहाँ से स्टार होता है, राइट। तो यहाँ से क्या हुआ, एक स्टार बॉर्न हुए, जन्म लिया, ठीक है। तो ये जो आपके लाइफ में ब्रेक थ्रू चल रहा है, टावर मोमेंट चल रहा है, ये जो बड़ा बड़ा एक्सीडेंट्स हो रहा है आपके लाइफ में अचानक से सडनली, तो ये आपके लिए एक स्टार बनने का प्रोसेस है कि आप अपनी लाइफ में स्टार बन सके, चमक सके, ठीक है। आपकी पर्सनालिटी में निखार आए, आप हीरे की जैसा खुद की पर्सनालिटी को निखर सके, ये बोला जा रहा है आपको। ट्रस्ट रखें, द लाइट इन यू कैन नॉट बी डिम्ड। तो आपके अंदर जो लाइट है वो कभी भी डिम्ड नहीं होगा, कम नहीं होगा, आप ट्रस्ट रखें खुद के ऊपर, ठीक है। सेल्फ लव की एनर्जी में रहें और खुद के ऊपर ट्रस्ट रखें। कंट्रोल, लिंक योर ओन कॉन्स्टेलेशंस एंड टेक कंट्रोल। तो खुद का कंट्रोल या फिर खुद की लाइफ की कंट्रोल आपकी खुद के हाथ में रहना चाहिए। जैसे कि आपके बॉयफ्रेंड या फिर आपके हस्बैंड या फिर आपके वाइफ आपसे बात नहीं कर रहे, आपसे दूर जा रहे हैं, आपको गलत ट्रीट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपसेट हैं, यानी उनकी बिहेवियर से, उनकी बातों से, उनके एक्शन से आप अनहैप्पी हो रहे हो, यानी आपकी हैप्पीनेस का कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है। आप हैप्पी रहो इसका पावर आपके हाथ में नहीं है। तो एंजल बोल रहे उस पावर को आप अपने हाथ में रखो। बाहरी दुनिया की कोई पर्सन कोई चीज़ें आपको अपसेट नहीं कर सकता, राइट। तो कोई इंसान आपसे बात नहीं कर रहा है, कोई आपसे दूर जा रहा है, कोई आपको ब्लेम कर रहा है, आपको गाली गलौज कर रहा है, ठीक है। तो उसकी वजह से आप अपसेट हो रहे हो। क्यों हो रहे हो? क्योंकि दूसरे इंसान जो है आपको नीचा दिखा रहे, छोटा दिखा रहे, राइट। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपकी इमोशन की कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है, जिसकी वजह से आप अपसेट हो रहे हो। तो लोग क्या कहेंगे उसकी वजह से कि आप अपसेट हो गए। आपको खुद को पता होना चाहिए कि आप क्या हो, कौन हो, राइट। आई होप आप समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को। डेस्टिनी, इट इज़ नॉट इन द स्टार बट इन योर सेल्फ।
स्टार का कोई डेस्टिनी नहीं है, ठीक है, स्टार का कोई भाग्य नहीं है, लेकिन आपका है। तो उसके ऊपर बिलीव रखिए, बॉटम द डेक में है लव, तो टू बी टू द मून एंड बैक, तो आप मून की तरह हो और बार बार वापस आओ अपनी लाइफ में, अपनी एनर्जी में, ठीक है। और लव वाइब्रेशन को हाई करो, लवेबल बनो खुद के लिए, दूसरों के लिए, दूसरों को भी अनकंडीशनल लव करो और खुद को भी प्यार करो, ठीक है, तो तब जाके आप लव को, ट्रू लव को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकोगे। तो ये है आज के दिन में रीडिंग एंड गाइडेंस, होप आपको पसंद आए हैं और रेसोनेट किया है आपको, तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। जो लोग न्यू आए हो, अगर रीडिंग अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली आप मुझे लाइक करो, और हर रोज़ की इस टाइप की रीडिंग देखने के लिए आप मुझे मेरे चैनल पे आके देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं मुझे, और एनर्जी को एक्सचेंज करने के लिए लाइक कमेंट किया करें। फिलहाल टाटा, टेक केयर योर सेल्फ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।